नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासी मतदाताओं पर भाजपा और कांग्रेस की नज़र है। दोनों पार्टियां इन मतदाताओं को साधने के हर संभव प्रयास कर रही हैं। भाजपा में जहां संघ संगठन और सरकार सक्रिय है, तो कांग्रेस में दिग्गज नेता आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास बताता है कि प्रदेश में 22% आदिवासियों ने जिस पार्टी को आशीर्वाद दिया, सत्ता उसी के हाथ लगी। उत्तर प्रदेश में आदिवासियों के लिए 47 सीट मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए 47 सीट आरक्षित हैं। इनमें अलावा 35 सीटों पर आदिवासियों का अच्छा प्रभाव है। यही कारण है कि प्रदेश की सत्ता की कुंजी आदिवासियों के पास कही जाती है। 82 विधानसभा सीटों पर दबदबा रखने वाले आदिवासियों से हर राजनीतिक दल जुड़ना चाहता है। विशेषकर भाजपा और कांग्रेस आदिवासियों के बीच पेट बनाने की कोशिश कर रही है। तो क्या भाजपा साल 2023 में 40 आदिवासी सीटें जीतने में सफल होगी या कांग्रेस अपना प्रदर्शन दोहराएगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने दलित समुदाय के रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर दलितों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ। 2014 के मुकाबले दलित बाहुल सीटों पर भाजपा को कम सफलता मिली, इसलिए इस बार जब आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया, तो भाजपा ने उसका श्रेय लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश भर में कार्यक्रम आयोजित हुए, भाजपा ने ये जताने की कोशिश की कि उसने पहला आदिवासी राष्ट्रपति देकर आदिवासियों के हित में सच्ची पहल की है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने इस कदम को भरपूर भुनाया। ये वर्ष 2023 की रणनीति का हिस्सा है। 2018 में आदिवासी सीटें घटने के कारण भाजपा के हाथ से सत्ता चली गई, जबकि इससे पहले 2003 में सत्ता परिवर्तन के समय भी भाजपा ने 37 आदिवासी सीटें जीती थी। 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा का लक्ष्य अनुसूचित जनजाति की 47 में से 40 सीटों को जीतना है, इसलिए भाजपा हर संभव कोशिश कर रही है। भाजपा ने बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन किया था, टांटिया मामा के शहादत दिवस पर अमृत महोत्सव मनाया था, हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया। अब भाजपा ने आदिवासियों से जुड़े आयोजनों का एक कैलेंडर बनाया है। इस कैलेंडर के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे। आदिवासियों को आहार अनुदान के रूप में मिलने वाली राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उधर भाजपा ने कांग्रेस के आदिवासी प्रेम को दिखावटी बताया है। विश्वास सारंग ने कमलनाथ से पूछा कि कांग्रेस ने आदिवासी राष्ट्रपति का विरोध क्यों किया। अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू का अपमान क्यों किया। कमलनाथ जी, पहले इस बात का खुलासा करें कि वो 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने आदिवासियों के खिलाफ हर नीति को क्यों लागू किया। कमलनाथ जी, पहले इस बात का खुलासा करें कि उन्होंने इस देश में, इस प्रदेश में हर समय आदिवासियों के खिलाफ बात क्यों की। द्रौपदी मुर्मू जी, जो पहली बार एक महिला के रूप में, आदिवासी महिला के रूप में इस देश की राष्ट्रपति बनी, अधीर रंजन चौधरी जी ने उनका मखौल क्यों उड़ाया। कांग्रेस ने तो हर समय आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया, कांग्रेसियों ने हर समय आदिवासियों का मखौल उड़ाया। ये कांग्रेस केवल और केवल राजनीति करती है। वर्ष 2018 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी आदिवासी समुदाय ने पुख्ता की थी। आदिवासी बाहुल 47 सीटों में से 31 पर कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस इस प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है और अपनी आदिवासी सीटों में इजाफा करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए कांग्रेस ने आदिवासी नेताओं की टीम गठित की है। आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष ओमकार सिंह मरकाम को बनाया गया है। मरकाम सभी आदिवासी ब्लॉक में धुआंधार दौरे कर रहे हैं। उधर कमलनाथ स्वयं 9 अगस्त को पातालपानी जाने वाले हैं। पातालपानी टांटिया मामा की जन्मस्थली है, यहीं से कांग्रेस अपने पदयात्रा अभियान का श्री गणेश करेगी। कांग्रेस ने भी समय समय पर आदिवासियों के लिए कई योजनाएं चलाई। आदिवासियों ने जो साहूकारों से कर्ज लिया था, उसे कांग्रेस ने माफ किया। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद सिंह जाट का कहना है कि कांग्रेस के लिए आदिवासी वोट बैंक का विषय नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आदिवासियों का रिश्ता 100 साल पुराना है, जब वोट बैंक की राजनीति ही नहीं थी। कांग्रेस सभी वर्ग को साथ लेकर चलती है। कांग्रेस और आदिवासियों का रिश्ता
100 साल पुराना है, चुनाव या वोट का कोई उस तरह का महत्व नहीं रहता था, इसलिए ये बात सही नहीं है कि वोट की पॉलिटिक्स है। आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हितैषी नेता के रूप में जाने जाते हैं, मध्य प्रदेश के युवाओं के हितैषी नेता के रूप में जाने जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। सत्ता की राह आदिवासी क्षेत्रों से होकर निकलती है, ये भाजपा और कांग्रेस दोनों को अच्छी तरह पता है, इसलिए दोनों राजनीतिक दलों ने आदिवासियों पर फोकस किया। देखना यह है कि आदिवासियों का आशीर्वाद आखिर किसको मिलता है। अनादर टीवी के लिए संवाददाता दुष्यंत पाराशर की रिपोर्ट। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका अनादि टीवी पर। और इस बात को लेकर हम कई बार चर्चा करते रहे कि मध्य प्रदेश में कितनी आदिवासी सीटें हैं, कितनों पर प्रभाव है, इन सब के इतर जो आप प्रयास कर रही कांग्रेस खासतौर से बात करें, क्योंकि लंबे समय से हमने देखा था जब पिछले हमें जब अमित शाह जो दौरे पर आए थे जबलपुर, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए भोपाल, और रानी कमलापति स्टेशन का नामकरण हुआ हबीबगंज का, इसके बाद तमाम सारी सौगातों की बात हुई, पैसा एक्ट की बात करें हम, शहरी आदिवासियों को पहले से सरकार भत्ता दे रही है, अब जाकर कांग्रेस अभी तक मखोल उड़ाती रहती थी, क्या आरोप लगाती थी, लेकिन अब कांग्रेस को शायद गंभीरता समझ में आ रही है कि एक बड़े वोट बैंक की ओर अगर फोकस नहीं किया, और ख़ास तौर से तब जब द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति बनने को जिस प्रकार बीजेपी ने बनाया है, तो 2023 की जो थोड़ी बहुत उनको संभावना है वो और छीण हो जाएगी। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में तो सत्ता की चाबी आदिवासियों के ही हाथ में है, जो आपकी रिपोर्ट भी बतला रही थी, 47 सीटें सीधे सीधे आरक्षित हैं ट्राइबल्स के लिए जो चुनाव लड़ते हैं, और करीब 30-32 सीटों पर और प्रभाव है अलग है, तो 82 के लगभग सीटें मध्य प्रदेश में है, जिसमें पूरा का पूरा निर्णय सत्ता में कौन बैठेगा उसको एकदम सीधे तौर पर तो आदिवासी करता है, इसमें कई शक और शुबा नहीं है। और आदिवासियों पर डोरी डालना लंबे अरसे से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मध्य प्रदेश में तो आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस ने बड़े बड़े कार्ड खेले, शिवानी सिंह सोलंकी का नाम चलाया गया था, उन्हें फिर बाद में कैसे अलग कर दिया गया और कैसे वो सारा का सारा एपिसोड हुआ था मध्य प्रदेश ने देखा हुआ है। बाद में ही बहुत सारी बातें हुई, जमुना देवी भी उस दौड़ में शामिल नहीं है, वो नहीं है दुनिया में, उन्होंने बहुत प्रयास किया, अंततः उन्हें वो नहीं हासिल हो पाया, उन्होंने प्यारेलाल कंवर थे उप मुख्यमंत्री तक सीमित हो गए, जमुना देवी थोड़ा बड़ा नाम इस तरीके से था कि उनका जब वो नेहरू जी के दौर से शुरुआत हुई थी उनकी राजनीति की, तो दिल्ली में उन्हें पहचानने वाले लोग होते, तो ऐसा माना गया था कि कभी ना कभी, लेकिन हाँ ये फैक्ट रहा कि आदिवासियों को चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या अन्य दल हो, एक तरीके से वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते रहे, लेकिन अब जब उस वर्ग ने ये जान लिया मान लिया कि हाँ हमें जो हमसे यदि केवल अकेले वोट की उम्मीद ना करें जो भी दल है, हमें उसमें भागीदारी मिले सत्ता में, हमें कहीं ना कहीं या और भी जो कुछ उन्हें मिलना चाहिए उससे वो फोकस करते हैं, तो अब एक पूरा का पूरा दौर बदला है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो बीजेपी तो बहुत सलीके से कार्ड्स खेलती है, उसमें कोई शक और शुबा या शंका नहीं है, दर्शा दिए उसने एक नाम निकल के आया मुर्मू जी का, जब निकल के आया राष्ट्रपति पद के लिए जो उन्हें कार्ड फेंका है वो निश्चित तौर पर बहुत लुभाया आदिवासी, और हमने देख लिया जब उसके चुनाव राष्ट्रपति जी को लेकर वोटिंग हुई तो कितने क्रॉस वोटिंग हिंदुस्तान में जगह जगह से हुई, और ट्राइबल्स ने जो चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो चाहे वो अन्य जो वोट के हकदार लोग हैं, उन्होंने अन्य जो हाउसेस है उन्होंने उसमें वोटिंग के लिए खुलकर बढ़ चढ़कर सीधे सीधे मुर्मू जी को वोट देकर दिखला दिया, उन्होंने पार्टी से इधर हुए, तो अब ये चिंता का विषय निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए है कि 2018 की जो सत्ता थी कमलनाथ या इतने 15 साल के जो एक सूखे के बाद जो बारिश हुई थी सत्ता में आने को लेकर जो एक प्रयास थे कांग्रेस के, वो मध्य प्रदेश में पूरे होने में बहुत बड़ा योगदान ट्राइबल्स का ही था, वो 32 सीटें वो लेकर आए थे, उसने बड़ा योगदान दिया कि 109 तक पहुंच गई कांग्रेस, तो वो नहीं पहुंची 109 तक तो वो सत्ता नहीं मिल पाती 2018 में, और फिर बाद में जो कुछ हुआ सबूत हो, अब जो आने वाला दौर है 23 का जो चुनाव है इसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़े चिंता का विषय, ये ट्राइबल जो सीट्स हैं सीधे सीधे 47 सीटें तो आई हैं और बाकी जिन पे प्रभाव है 35 तो उन्हीं को फोकस किया जा रहा है, और बीजेपी ने जो 18 में खोया था जो उसके पहले की जो मध्य प्रदेश का 13 का इतिहास रहा 8 का इतिहास रहा 3 का इतिहास रहा, 3 में भी आदिवासी बड़ा रोल प्ले कर पाए थे बीजेपी की सत्ता में पहुंचने में, 8 में हुआ 13 में हुआ,
तो अब बीजेपी के पास तो खुला किताब हो गई है, उसने जो फोकस किया 47 में 40 जीतना, वो उसने बहुत सारे कार्ड्स खेले जिनसे कार्ड्स खुले हुए। अब उसके कांग्रेस क्या कार्ड लेकर आती है? अब वो ठीक है, अब यात्राएं शुरू कर रही है, वही उस जगह जा रही है जहां से बीजेपी ने बहुत कुछ निकाल के लाए हासिल किया। तो अब मतलब इतनी इतनी सारी चीजें कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के सामने एक बहुत कठिन चुनौती होगी कि वो अपना पिछले को रिटेन कर पाए और कैसे रिटेन करे। इसके लिए बहुत हद तक बहुत एक ठोस रणनीति, एक बहुत ही फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा कांग्रेस को कि वो कैसे इस ट्राइबल वोट बैंक को अपने हक में करके लाए। ये नहीं कर पाई तो बेशक उसे 2023 में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ब्रजेश जी, एक संकट तो है जो संजीव जी कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभी अब तमाम सारे हम कभी चुनाव देख रहे हैं पिछले, तो एक नारा लगता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि लीडरशिप से अगर हम बात शुरुआत करें बीजेपी कांग्रेस में, तो वो लीडरशिप उस नेतृत्व उनको नहीं मिल पाया है जिसके वो हकदार थे। कि अगर एक 20% आबादी है, 85-82 सीटों पर प्रभाव है, 47 सीटें उनके लिए आरक्षित है, तो चाहे बीजेपी की हम बात करें तो वही गिनती के नाम हम कई दशक से देख रहे हैं, और कांग्रेस के अंदर भी, और जो कुछ नए चेहरे उभरने की कोशिश करते हैं तो जो बड़े नेता हैं उनको उभरने नहीं देते हैं। बाला बच्चन उदाहरण है, उमंग सिंगार उदाहरण है, ओमकार सिंह मरकाम, उन्होंने देखा था कि सरकार में मंत्री थे कमलनाथ सरकार में, लेकिन सरकार जाने के बाद उनकी कोई पूछ परख नहीं थी। बाद में अजय शाह को हटा के फिर से उनको कमान सौंपी गई है, तो वादी जो ब्लॉक हैं उसमें उन्होंने घूमना शुरू किया है, संपर्क साधना शुरू किया। लेकिन क्या ये वो चेहरे हैं कि जिनके चेहरा देख कर आदिवासी वोट बैंक उनके नाम पर पार्टी को वोट कर देगा? क्योंकि आदिवासियों में लगभग 42 समूह हैं जिनमें गोंड हैं, भील हैं, सहरिया, कोली बड़े माने जाते हैं, जिनकी आबादी अगर गोंड भीलों की माने, भील बिलाला, तो 1 करोड़ के आसपास होती है। तो इनमें से कोई ऐसा एक लीडरशिप की भी ज़रूरत है कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, तब तो आपका मिशन कह सकते हैं कि सक्सेस होगा। देखिए मनोज जी, आदिवासी वर्ग में कोई भी ऐसा चमत्कारिक नेता नहीं है, या हम यूँ कह सकते हैं कि दोनों राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं कि वहाँ से कोई चमत्कारिक नेतृत्व आगे आए। क्योंकि यदि आगे आता है तो आप सोचिए कि हम जिन 85 सीटों की बात कर रहे हैं और 47 सीटें उनके लिए आरक्षित हैं, यदि कोई बड़ा नेता उभर के उस वर्ग से आ जाएगा तो निश्चित तौर पर पहला दावेदार होगा वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने। बिल्कुल, 20% सीटें हैं। हाँ, तो वो दावेदारी, मुझे लगता है एक सबसे बड़ी वजह ये रही है कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने ऐसा कोई नेतृत्व वहाँ पनपने ही नहीं दिया है, जो पनपने की कोशिश करता है उसको बढ़ने नहीं दिया, आगे आने नहीं दिया। यही वजह है कि चाहे हम देख लीजिए, चाहे अजय शाह को उन्होंने बनाया हो, ओमकार सिंह मरकाम लगातार सक्रिय थे, उनको आपने देखिए फिर किस तरह से पीछे धकेला, लेकिन जब जैसे ही चुनाव आए तो आपने जिम्मेदारी देख ली, क्योंकि युवाओं में एक वर्ग में उनकी पैंट है। आप हीरालाल अलावा को देख लीजिए, आप उमंग सिंगार की बात कर रहे हैं, उमंग सिंगार, चाहे इससे पहले हम देख रहे संजीव जी बात कर रहे थे जमुना देवी की, तो आपने सिर्फ वोट बैंक के लिए उस नेतृत्व को उतने ही मौके दिए कि आप वोट बटोर सको। अब रही बात कि नेतृत्व तो है नहीं युवाओं का, या उस वर्ग का कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है, वैसे भी उस वर्ग में जिस तरह से अलग अलग रोटी बेटी का संबंध नहीं होता, जो एक दूरियाँ हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ समय से आदिवासी वर्ग जो पढ़ा लिखा ये युवा वर्ग आ रहा है उसमें एकजुटता आ रही, आदिवासी के नाम पर कम से कम राजनीतिक रूप से तो एक दिख रहे हैं। तो उसका हम परिणाम भी देखते हैं कि आप देखिए पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुए थे तो 31 सीटें कांग्रेस ले गई थी और इस वजह से बीजेपी सत्ता से दूर हो गई थी। तो आप देखिए कि युवा में एक जो जागरूकता आई है, चाहे वो जैस के माध्यम से आई हो, एक जो खेमा है कि पुराना और नए का जो यूथ है जो जागरूक हो गया है, जो समझदार हो गया है, तो अब आपको देखना है कि दोनों ही दलों के काम देखेगी जनता, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो आप उनको प्रभावित कर दे हो किसी एक दल की तरफ ले जाए। वैसा नेतृत्व नहीं होने की वजह से वो दोनों दलों की तुलना करेगी, और निश्चित तौर पर अभी तुरपका इक्का जो चल दिया है बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के नाम पर, आप देखिए कांग्रेस में फूट डल गई उसमें मध्य प्रदेश में। आज कहा जा रहा है कि आदिवासी वर्ग के बहुत संख्या में विधायक होने इसी वजह से कांग्रेस एक दर्जन के लगभग, तो आप सोचिए कि ये क्रॉस वोटिंग क्यों हुई, मतलब कहीं ना कहीं उस वर्ग में ये बात तो आई है ना मन में, जब उसके नेताओं के मन में बात आई है तो निश्चित तौर पर उनके कार्यकर्ताओं के मन में होगी, और उन नेताओं को इस बात का डर होगा कि हमारे कार्यकर्ता कलम से ये सवाल पूछेंगे कि आपने क्यों वोट नहीं दिया, अपने ही वर्ग की एक महिला यदि पहली बार राष्ट्रपति बनने जा रही है तो आपने अपना योगदान क्यों नहीं दिया। तो ये जो डर था उन नेताओं में जिसकी वजह से उनने क्रॉस वोटिंग की है सिर्फ अपना बचाने के लिए, भाई हम समाज के लिए तो हैं, क्योंकि उसी समाज से चुनकर वो आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये जो फैक्टर काम करेगा चुनाव में झारखंड में, चाहे वो आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में,
तो इसको दाव जो चला, जैसे हमने देखा है दलितों का जो दाव एक चला था आपने इससे पहले राष्ट्रपति बना के रामनाथ कोविंद को, और उत्तर प्रदेश में किस तरह से बीजेपी ने माहौल बनाया था चुनाव से पहले, जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी, कोविंद जी के कितने दौरे हुए और एक माहौल बनाया गया कदर, और वैसा ही आप माहौल देखेंगे मध्य प्रदेश गुजरात में उसका असर हमने देखा था पिछले विधानसभा। तो आप देखिए जब वैसा असर देखेंगे, और इस बात को कांग्रेस ताड़ गई है, इसी वजह से वो देखिए आप लगातार कोशिश कर रही है कि कम से कम जो हमारा पिछला परफॉर्मेंस था वो बरकरार रहे। क्या बरकरार रह पाएगा? यही वजह है कि कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, जिनने क्रॉस वोटिंग की है उनके नाम उजागर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कांग्रेस। तो आप देखिए कांग्रेस बैकफुट पे आज की तारीख में आदिवासी के मामले में, चाहे वो रानी तो कमलापति का मामला हो, चाहे पैसा एक्ट का बात हो, चाहे वो शराब बनाने की उनको अनुमति देने का मामला हो, जो निर्णय हुए, चाहे आप युवाओं को रोजगार देने की गाड़ी भी उनकी लगेगी घर घर राशन पहुंचाने की, और जो सबसे बड़ा फैक्टर एक है मोदी जी के मकान बनाकर देने की शौचालय, तो ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। बिल्कुल, जोबट में जब दौरे किए गांव में तो लोग किस तरह से मोदी जी के पक्ष में थे, उनका कहना था मकान बन रहा है जो आज तक उन्होंने सपना नहीं देखा था। तो आप देखिए बहुत सारे फैक्टर जब काम करेंगे तो ये यदि पासा पलट गया तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए घातक साबित होगा, क्योंकि कांग्रेस का ये एक तरह से वोट बैंक रहा है 2003 से पहले। तो संजीव जी, कांग्रेस के संग एक बड़ी व्यवहारिक दिक्कत हम देखते हैं कि कोई एक अभियान वो शुरू करते हैं लेकिन वो शुरुआती दौर में दम तोड़ता नजर आता है, चाहे वो घर घर चलो की बात कर लें या आदिवासियों की, क्योंकि जबकि अब चुनाव में लगभग सवा साल का वक्त है तो इस रेपो को आपको बनाए रखना होगा कि जब तक आप कार्यकर्ता का मूवमेंट हो, आदिवासी बेल्टों में आपके नेताओं के दौरे हों, उनके जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएं। तो सबसे बड़ा संकट तो ये कि इसको लीड कौन करेगा, क्योंकि एक सवा साल कोई कैंपेन चलाना कोई हंसी खेल नहीं है। अगर बीजेपी की बात करें तो शायद वो भी इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, टुकड़ों में कर सकते हैं। तो कांग्रेस के सामने तो ये संकट है कि कार्डर भी नहीं है, लीडर भी नहीं है, और अगर लुभाना है 20% आबादी को या प्रदेश की 20% जो सीटें आदिवासी उस पर कब्जा करना, तो अतिरिक्त जतन उनको करना होंगे। तो वो जतन क्या हो सकते हैं? नहीं देखिए, ये तो फैक्ट है कि अगर आपके पास में कार्यक्रम नहीं होगा, कार्यक्रम के साथ साथ अकेले कार्यक्रम, आप केवल झंडा उठा के निकल जाइए, उन्हें भाषणबाजी करते रहिए, उन्हें बताते रहिए कि प्रतिपक्ष ने सत्तारूढ़ दल ने आपके लिए क्या, आपको कैसे ठगा है, ठगा है, या आप आरोप लगा, आरोप तो नहीं हुआ। आपको सत्तारूढ़ दल या बीजेपी या जो एनडीए की सरकार ने जितनी चीजें की है उसको लेकर जो कुछ आपको कहना है आप कहते हैं, लेकिन आपका आगे प्लान इन लोगों के लिए क्या होने वाला है, आपका पिछला गिनाइए या आप जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी है एनडीए उनकी इसको ठगना बताइए, जो भी बता दीजिए, आपका अपना प्लान होना चाहिए, फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए। साथ साथ अब ये सब नहीं, देखिए चेहरा तो कमलनाथ है, घोषित हो चुका है कि कमलनाथ की अगुवाई में ही अगला चुनाव होना है, वो सारा कुछ लीड उन्हीं को करना है, उनके साथ में जो कार्ड था। दूसरी अभी जो ब्रजेश कह रहे थे, मैं सबसे हमेशा जब भी डिबेट्स होती है मैं कहता हूँ कि कांग्रेस की कठिनाई या दिक्कतें ये कि उसने सेकंड लाइन को कभी खड़ा ही नहीं होने दिया, थर्ड लाइन को कभी खड़ा ही नहीं होने दिया, ट्राइबल्स ने वो लीडरों को या पैदा ही नहीं होने दिए कि उनको बढ़ते थे और कहीं ना कहीं उनको एक जगह पर लाकर रोक दिया जाता था। कहाँ है, कौन है? जमुना देवी आखिरी नाम थी मध्य प्रदेश में जिनको न केवल मध्य प्रदेश देश में जाने लगा था कि जमुना देवी कोई है मध्य प्रदेश में जो सत्तारूढ़ दल का नहीं है, अपने दम पर वो लड़ती नहीं, ऐसी स्थिति होनी प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने छाप भी छोड़ी थी। निश्चित तौर पे उनका एक उन्होंने उस दौर में बहुत लड़ा, शिवराज को लेकर डंपर का जो कांड हुआ था उन्होंने उठाया था और भी ऐसे बड़े बड़े कांड, तो वो गया एक मैसेज गया कि मध्य प्रदेश में कोई ट्राइबल लीडर लड़ रहा है। वो दुर्भाग्य रहा, ईश्वर की उनकी अपनी नीति वो है कि वो कब किसको कैसे बुला ले उठा ले वो अलग चीज है, लेकिन हाँ अब जो बीत गई वो बात गई छोड़ दीजिए, अभी आपके सामने जो लक्ष्य 23 है, आपके पास वक्त कम है, आपको 15-16 महीने का जो वक्त मिलता है उसमें कुछ ऐसा लाना होगा इनके लिए, ट्राइबल्स के लिए, ना केवल ट्राइबल, यहाँ एससी की जो सीट से रिजर्व होगी उसकी संख्या भी बड़ी है, फिर सामान्य लोग भी, और जैसे महंगाई एक बड़ा इशू है, महंगाई के इशू, और जो दूसरी जो दावे हैं डिलीवरी जो है डिलीवरी नहीं हो पाई है, जो महंगाई में भी तो आज इतना बड़ा उन्होंने देश भर में प्रदर्शन किया लेकिन कहा यह गया कि महंगाई से ज्यादा वो ईडी के विरोध में है, तो पूरी इसकी लाइन दशा दिशा बदल गई। वो भी भोपाल में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा ऐसे प्रयास हुए नहीं कि आपने हमने नहीं तो कांग्रेसियों की हमने रैली देखी, आपने भी देखी हमसे ज्यादा, लेकिन वो टेम्पो दिखा नहीं। ये भी है कि आपको लगता है कि महंगाई का जो असर है वो आदिवासी बेल्ट में होगा, क्योंकि आप देखिए सरकार की तमाम योजनाएं हैं उस तबके के लिए है, गरीबों के लिए है, आपको राशन मिल रहा है, तो उसका फर्क वहां पर नहीं पड़ेगा, महंगाई का फर्क पड़ेगा आपको शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग को साधने, मिडिल क्लास, खास मिडिल क्लास को जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, जो लुट रहा है। मैंने ब्रजेश जी वही कहा कि
आपके पास में इश्यूज को कैश कराना होगा। मैं आदिवासियों को तो मैंने सीधे कहा कि उनको डिलीवरी नहीं हो पा रही, जो आप दावे कर रही है सरकार, बात बातें कर रही है, भोपाल में बैठ के बहुत अच्छी योजना बनती है आप बनाते हैं आप, लेकिन जो उनको मिलना चाहिए। उज्ज्वला योजना में क्या, उज्ज्वला में आज सिलेंडर रखे हुए लोगों का जो अपने मुफ्त बैठे, तो आपको ये चीजें, आपको सस्ता राशन और भी जो ऐसी अनेक योजनाएं जो मुफ्त की बात हो रही है, अब तो मुफ्त को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट और आने लगा है कि इसको मुफ्त खोरी को बंद करिए, इससे हमारा देश जो श्रीलंका में हुए देश उसको भोग रहे हैं, कोलैप्स हो गई पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, को रोकना होगा, इन दलों को छोड़ना होगा ये सब, तो अब वो बात चल पड़ी है। चुनाव आयोग ने उसको नहीं किया उस तरीके से जो होना चाहिए, ठोस एक कार्रवाई आयोग की ओर से होना चाहिए। तो ये फ्री की बातें बहुत दिन तक चली नहीं, और उसमें देखिए दावे होते हैं बातें होती हैं, लेकिन वहां पहुंचता कितना है, इसको कांग्रेस को बहुत ठोस तरीके से उसको लगातार जो टेम्पो की बात होती है आपको, लेकिन इसमें भी तो संकट ये है कि जब वो ये कहेंगे तो जो बीजेपी वो कहेगी कि भैया आपके तो प्रधानमंत्री ने कहा था राजीव गांधी ने कि 1 रुपया भेजते दिल्ली से 15 पैसा पहुंचता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप ये इससे इससे कैसे होगा कि अगर वो गंदे तो मैं भी गंदा हो जाऊंगा, ये लॉजिक नहीं होगा। आप जनता, लेकिन उसके लिए बेहतर ये हो सकता है मनोज जी कि जो आपका सवाल था कि कांग्रेस देखिए कांग्रेस नेतृत्व पर तो मुझे लगता है कि अब उतना भरोसा रहा नहीं, लेकिन जो आप लीडर आप जो नए नए युवा आए हैं, चाहे वो हम विक्रम अहाके को देख लें जो महापौर बना है बीए पास एक गांव से आया है, आप उसको देख लीजिए, हीरालाल अलावा को देख लीजिए, आप शिक्षित हैं, आप देख लीजिए ओमकार सिंह मरकाम को लीजिए, तो इन लोगों के लिए टीम बनाकर इनको आदिवासी क्षेत्र में जिस वर्ग में पैठ है उनकी, जिस समाज में पैठ है, उनके बीच में उतारना चाहिए कांग्रेस को। और वो जब वो बात कहेंगे कि कांग्रेस बेहतर है या बीजेपी बेहतर, तो मुझे लगता है वो ज्यादा असरकारक होगी कि कमलनाथ की तुलना कहने में। एक नाम विक्रांत भूरिया का भी जोड़, विक्रांत भूरिया भी है आपको देखिए, झाबुआ वाले बैंक में का भी नाम है, तो ये युवाओं की एक जो टीम है, इस टीम को मुझे लगता है कि कांग्रेस को आगे लाना पड़ेगा और उनको जिम्मेदारी देना पड़ेगी, वो अपने वर्ग में पैठ बनाए और पार्टी की बात मजबूती से रखें, और विरोधियों की आपकी यदि हम भाजपा की बात करें सत्ताधारी तो उसकी कमियां गिना, तो इनकी बात ज़्यादा असरकारक होगी उस वर्ग में और वो समझने का कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन कांग्रेस जो मैंने पहले कहा यदि इन लोगों को आगे लाएगी तो फिर उसके सामने एक नया संकट है कि यदि वो कांग्रेस आगे लाती है तो फिर उनको उतनी जिम्मेदारी देना पड़ेगी, नेताओं को अपने बेटों की चिंता होगी, बेटों की चिंता का क्या होगा, फिर उनको महत्व देना पड़ेगा, आपको महत्वपूर्ण पद देना पड़ेगा, उनको इतनी महत्व देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो होगा। और जब आप उतना महत्व दोगे और खुदा ना खास्ते आप सत्ता में आते हैं तो फिर आप उनकी दावेदारी, हमने देखा हीरालाल अलावा का आपने फायदा उठा लिया, लेकिन क्यों नहीं आपने बनाया जब पहली बार के और भी तो मंत्री बन सकते थे, तो एक उदाहरण ये भी हो सकता था कांग्रेस से कौन पूछने वाला है, कोई क्राइटेरिया तो नहीं था ना आपका कि पहली बारों को नहीं बनाएंगे हम, भाई इस वर्ग से आप लाते कि जिसकी वजह से आपने कुछ वोट बैंक हासिल कर लिया, निवाड़ में जो मैसेज दे सकते थे, मिली कांग्रेस को एक बड़ा योगदान इसी बात का था, जैस के कारण जो वोट थे वो हीरालाल अलावा के कारण आपके साथ अतिरिक्त मिले थे, लेकिन आपने पक्का किया नहीं, तो वो जो चूक है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हीरालाल अलावा का जो रुख है वो डमाडोल की स्थिति में आ गया, कि वो हो सकता है कि अगली बार वो किसी और दल से चुनाव लड़ लें, हम देख रहे हैं कि वहाँ फूट डलने जैसे आसार हो गए, कभी हमको लगता है कि जैस एक हो गई है और राय और वो सब एक हो गए हैं, लेकिन इसके बाद जब मुख्यमंत्री और कमलनाथ उनकी शादी में जाते हैं तो दो अलग नज़ारे भी दो अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो देखिए जो चूक बीजेपी ने की थी 2018 में, जैस को उतनी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब वो ताड़ गई है, तो वो तमाम उपाय कर रही है आदिवासियों को साधने के लिए, जैस पे भी डोरे डाल रही है। यदि मुख्यमंत्री हीरालाल अलावा के यहाँ शादी में कमलनाथ से ज़्यादा वक्त देते हैं, तमाम उनके साथ उनके वर्ग के साथ नाच गाना करते हैं, वहाँ समय देते हैं, तो आप इसका ये देखिए कि हर आयोजन में वो उतनी गंभीरता से कांग्रेस ने नहीं लिया, शायद वो द्रौपदी मुर्मू के बाद जब उनको लगा कि हाँ ये गड़बड़ी और हो सकती है हमारे साथ, तब वो ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। और शायद अधीर रंजन के बयान ने भी आग में घी का काम किया और जिसके कारण कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल के लिए मजबूर होना पड़ा। चलिए बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं देता इसलिए चर्चा को वहीं विराम देंगे। बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका, ब्रजेश जी आपका। तो निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है कि आदिवासियों को कैसे साधना है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी तो ये कह भी सकती है कि उसके पिछले 3 मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज का जो चारों कार्यकाल है कि ओबीसी वर्ग से आते हैं, आदिवासी राष्ट्रपति उन्होंने दिया है, दलित आदि दलित राष्ट्रपति उन्होंने दिया, तो मध्य प्रदेश में तो हमने देखते हैं कांग्रेस ने तो ओबीसी का राष्ट्रपति माफ कीजिए मुख्यमंत्री भी नहीं दिया, तो ऐसे में आदिवासी नेतृत्व को लेकर जब सवाल उठेंगे तो सवाल यही पूछा जाएगा कि अतीत में शिव भानु सिंह सोलंकी, जमुना देवी कवर, ऐसे तमाम सारे आदिवासी नेताओं के साथ जो कुछ हुआ बीजेपी शायद उसकी भी याद दिलाएगी, तो ऐसे में बीजेपी के संगठन से पार पाना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। तो अटेंशन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।